हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीवीआर स्टडी। चलिए आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लाए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आप कैसे हो फ्रेंड्स, एंड अगर आप ठीक हो तो बहुत ही अच्छी हो, मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं, जैसा कि आज आपको टॉपिक हो वायरस, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं विषाणु। तो सबसे पहले देखिए, विषाणु से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वायरस से इतने सारे रोग होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने नाम भी सुना होगा बहुत सारे रोग के जो वायरस से होते होंगे, तो कुछ बहुत ही नामी रोग आपको पता होगा, जैसे कि आपने इबोला वायरस के बारे में सुना है, बहुत ही खतरनाक रोग है। तो मैं इस सब चीज़ के बारे में आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि विषाणु क्या है, कैसे इसकी खोज हुई, किसने की, कहाँ से की, और इसको कैसे पता चला कि विषाणु है, ठीक है, कैसे मालूम चला कि ये वायरस के द्वारा ये रोग होता है। तो मैं इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वायरस। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको कुछ रोग के नाम बता दे रही हूँ, जैसे कि एंट्रोज चेचक जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, पिथ ज्वर जिसे आप येल्लो फीवर बोलते हैं, ठीक है, एंड फ्लू और इन्फ्लुएंजा जिसे आप बोलते हैं इन्फ्लुएंजा या फ्लू रोग। तो इस तरह के कुछ संक्रामक रोग जो होते हैं वो वायरस के कारण, विषाणु के कारण होते हैं। और हमारे देश में इतनी ज्यादा महामारियां, मतलब कि इतनी ज्यादा एपिडेमिक्स के रूप में फैल कर ये तबाही मचा दी है कि इसका अभी तक कोई इलाज पूर्ण रूप से नहीं आ पाया। तो जैसा कि आपको बता दें कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में कई प्रकार के जीवाणु को खोज की गई थी फ्रेंड्स, और लेकिन स्पष्ट रूप से जीवाणु को मतलब कि पता नहीं चल पाया था कि ये कैसे होते हैं। लेकिन हमारे जो लुई पाश्चर जी थे, उन्होंने बताया कि जो हमारे जीवाणु होते हैं, उन्होंने पता किया कि जो हमारे जीवाणु होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं और सबसे सरल एक कोशिकीय मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये पता लगा चुके थे कि मनुष्य तथा पशुओं में कई प्रकार के संक्रामक रोग पाए जाते हैं। तो जब उन्होंने ये सब चीजें पता लगाई, तो धीरे धीरे हमें इस चीज के बारे में पता चलने लगा कि संक्रामक रोग वायरस के कारण होता है, ठीक है। तो जैसे कि कुछ संक्रामक रोग, जैसे कि चेचक, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या पूछता है कि संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं, ठीक है, संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। संक्रामक रोग को इंग्लिश में फ्रेंड्स बोलते हैं इन्फेक्शियस, ठीक है। तो ये रोग के बारे में जरूर पूछा जाता है कि संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं। तो जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका दिया है प्लेग रोग, ठीक है, एंड स्मॉल पॉक्स, येल्लो फीवर, फ्लू और इन्फ्लुएंजा, ठीक है, एंड पोलियो, माइलेटिस्ट, मम्स, रेबीज और हाइड्रोफोबिया, ठीक है। तो एपिडेमिक्स, इस तरीके से बहुत सारे रोग होते हैं जो हमारे संक्रामक रोग होते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें फ्रेंड्स, तो आप हिंदी में भी जान लीजिए, जैसे चेचक आपने सुना होगा जिसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, पीत ज्वर, खसरा, पोलिया, गलसुआ, अलर्क रोग, ठीक है, डेंगू, ये सारे जितने होते हैं संक्रामक रोग होते हैं, ये वायरस के कारण होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स सबसे मजेदार वाली बात ये है कि जो हमारे मतलब कि जब हमारे 18वीं शताब्दी लगी थी, तो अंग्रेज एक डॉक्टर आए थे जिनका नाम है एडवर्ड जेनर जी आए थे, जो गोगेचक, ठीक है, गोगेचक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं काउपॉक्स, के एक रोगी के फफोलों की तरह को निकाला था और 23 ऐसे रोगियों को इंजेक्ट करके इनका जीवन बचाया था। तो जो एडवर्ड जेनर जी थे, उन्होंने इन सब के बारे में बताया था, मतलब इन सब के रोग के बारे में उन्होंने जाना था और इस रोग से कई रोगियों को उन्होंने बचाया था। लेकिन जो जेनर मतलब के वो समझे इसके बारे में, सारा चीजें पता किए, उसके बाद उन्होंने सन 1798 में इनका नाम छप गया कि इन्होंने इतने लोगों को बचाया है। बाद में लुई पाश्चर जी आए, ठीक है, लुई पाश्चर जी जब आए तो उन्होंने बताया कि ये अलर्क रोग मतलब जीवाणु में अधिक सूक्ष्म रोगात्मक संक्रामक रोग से होता है, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करते करते एक जोसेफ मिस्टर नामक बालक में इंजेक्ट किया था, क्योंकि बालक को एक पागल कुत्ते ने काट लिया था, तो टीके से इस बालक को जान बचा लिए थे। तो इस तरीके से हमें पूरे रोग के बारे में मतलब कि पता चल गया था पूरे तरीके से कि इस मतलब कि ये सारे रोग जो होते हैं वो वायरस मतलब कि विषाणु के कारण होते हैं।
उसके साथ साथ फ्रेंड्स चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ खोज के बारे में कि विषाणु की खोज किसने की थी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि विषाणु की खोज इवानोवस्की नामक ने की थी। इवानोवस्की ने मोज़ेक वायरस मतलब कि इवानोवस्की ने तंबाकू की पत्ती पे की थी, ठीक है, जिसे आप मोज़ेक रोग भी कह सकते हैं। तो अब आपको विषाणु के बारे में बता दें, मतलब कि इवानोवस्की के बारे में बता दें कि जो इवानोवस्की जी थे वो कैसे खोज किए थे, वो तंबाकू की पत्ती में मोज़ेक रोग, ठीक है, मोज़ेक रोग के कारण खोज किया। उन्होंने प्रयास किया एक पत्ती को लेकर, एक उन्होंने चितकबरी पत्ती ली और उन्होंने एक रोगली पत्ती ली, मतलब कि एकदम अच्छी पत्ती ली और एकदम जो रोगाणु मतलब कि जैसे कि उसमें चित्तापन थोड़ा थोड़ा धब्बे के रूप में था, जो ये कह सकते हैं खराब पत्ती थी, वो पत्ती ली। उन्होंने दोनों पत्तियों का रस निकाला और एक अत्यधिक महीन झिल्ली में लुई पाश्चर ने प्रयोगशाला में उसे रख दिया, ठीक है। उसके बाद चार्ल्स चैम्बरलेन द्वारा इसको तैयार कर दिया गया और पोर्सलेन जीवाणु द्वारा इनको फिल्टर करके छान दिया गया। जब उन्होंने इस चीज को छान लिया तो उन्होंने स्वस्थ पत्ती मतलब कि जो सही पत्ती थी उसमें उसको लगा दिया और पत्तियों को मतलब कि जो पत्ती जो स्वस्थ पत्ती थी जब उसमें लगा दिया तो वो रोगीली जो पत्ती थी वो मतलब ये उससे सिद्ध हो गया था कि स्वस्थ पत्ती में उसका लेप लगाने पर भी वो पत्ती खराब हो गई थी, ठीक है, मतलब कि जीवाणु से भी वो छोटे रोगात्मक हो गए थे वो स्वस्थ पत्ती में, जिन्हें बाद में पता चला कि विषाणु आधारित मतलब कि उन्हें नाम दे दिया गया कि इसको विषाणु और या फिर वायरस के नाम से जाना जाएगा। तो इस तरीके से इवानोवस्की जी ने तंबाकू की पत्ती पर मोज़ेक वायरस के नाम से विषाणु की खोज की थी। ओके फ्रेंड्स, तो आपको बता दिया जा रहा है कि विषाणु की आकार आकृति कैसी थी। जो इनका आकार था वो बैक्टीरिया के 50 गुणा, ठीक है, कम होता था और मिशेल विषाणु 220 नैनोमीटर, ठीक है, कौन सा विषाणु, मिशेल विषाणु 220 नैनोमीटर का होता है और हेपेटाइटिस विषाणु 40 नैनोमीटर का होता है एंड पोलियो का विषाणु 30 नैनोमीटर का होता है। तो इस तरीके से अलग अलग विषाणु के अलग अलग माप होते हैं। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात आती है विषाणु की संरचना के बारे में। जैसा कि आपको बता दें कि विषाणु की संरचना कुछ इस तरीके से बनी होती है, ठीक है, इन सारे चीज के बारे में बता दे रहे हैं आपको फ्रेंड्स। हालांकि आप जान सकते हैं कि जो हमारे विषाणु का जो स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, इसे वायरस का जो स्ट्रक्चर बना है इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियस एसिड, प्रोटीन कोट, मेम्ब्रेन, फाइबर्स, टेल, सारी चीजें होती हैं। तो मैं आप कुछ इनके बारे में बताया जाएगा। तो जैसे कि आपको बता दे रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारा वायरस होता है मतलब कि इनके जो लक्षण होते हैं, वायरस के जो लक्षण करेक्टर्स होते हैं वो कैसा होता है, इनके बारे में जान लीजिए। इस डायग्राम से मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूंगी। जैसे कि देखिए, ये जो इनका सबसे पहले करेक्टर, तो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो पदार्थ होता है मतलब ये जो पदार्थ के बने होते हैं, ठीक है, मतलब जो मैटर्स के मैटर के बने होते हैं, जैसे कि डीएनए, ठीक है, तो जो हमारा डीएनए होता है, आरएनए होता है, इसका पूरा नाम है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए, सॉरी आरएनए का पूरा आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे नाम आपको दिख रहे हैं, तो मैं इनके बारे में एक एक करके आपको इस वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो हमारा इसके करेक्टर्स मतलब कि लक्षण होते हैं, तो ये सजीव पदार्थ के नहीं बने होते हैं। ओके, ये सजीव पदार्थ के नहीं बने होते हैं, ये संयोजन में भाग लेने वाले विभिन्न पदार्थों के किससे बने होते हैं, ये दो प्रकार के पदार्थों से बने होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि कौन कौन से पदार्थ बने होते हैं, एक हमारा होता है न्यूक्लिक अम्ल, फ्रेंड्स न्यूक्लिक अम्ल ये, और एक होता है फ्रेंड प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये वायरस हमारे दो पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, केवल पदार्थों से ही मिलकर नहीं, दो पदार्थों से, और कौन कौन से पदार्थ, प्रोटीन्स कोट और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो विषाणु हमारा प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड पदार्थ से मिलकर बना होता है। दूसरी चीज, प्रत्येक जो वायरस होते हैं वो कोशिका दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, डीएनए
और आरएनए, ठीक है, मतलब कि दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल भी इसमें पाए जाते हैं, जो डीएनए और आरएनए। तो इनके आप लिविंग करेक्टर्स में ये सारी चीजें लिख सकते हैं कि ये दो पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, कौन कौन से, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, और दो न्यूक्लिक अम्ल से भी मिलकर बने होते हैं, कौन कौन से, डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो दो लक्षण तो आप अच्छे से लिख सके। थर्ड नंबर फ्रेंड्स, आपको बता दिया जा रहा है कि थर्ड नंबर हम क्या लिख सकते हैं कि इनका कोई भी कोशिका जैसा, मतलब इनका जो संगठन होता है वो कोई भी कोशिका जैसा नहीं होता है, इसमें कोशिका द्रव मतलब कि साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं और कोशिका कला मतलब मेम्ब्रेन भी पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें मेम्ब्रेन भी पाए जाते हैं एंड साइटोप्लाज्म भी पाए जाते हैं एंड सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं एंड मेम्ब्रेन्स भी पाए जाते हैं एंड दो न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाता है और दो पदार्थों से मिलकर ये बना होता है, ठीक है। उसके साथ साथ एक चीज और जान लीजिए कि इसमें वीरियोंस में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, मतलब कि वायरस में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है क्योंकि ये मेटाबॉलिक एंजाइम नहीं होते, जैसा कि मेटाबॉलिक मतलब उपापचयी एंजाइम नहीं होते हैं, इसमें कोई भी जैव क्रिया नहीं होती है, इसमें केवल आमतौर पर पोषक कोशिकाओं को बाहर निकालकर द्विगुणन किया जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज ये जान लीजिए फ्रेंड्स कि इसमें कोशिकाओं में वृद्धि होती है और वायरस में कभी भी वृद्धि नहीं होती, मतलब कि सजीव कोशिका में वृद्धि होती है लेकिन वायरस में कभी भी वृद्धि नहीं होती है। तो फ्रेंड्स आपको इतना तो कंफर्म हो गया होगा। उसके साथ साथ आपको, अब मैं आपको उनके सजीव के लक्षण बता रही हूँ कि सजीव के लक्षण कौन कौन से होते हैं। अभी आपने निर्जीव के लक्षण जाना, अब सजीव के लक्षण की बात करें। सजीव के जो लक्षण होते हैं वो इनकी जैसा कि आकार आकृति कैसा होता है, इनकी माप आकार आकृति लक्षण, ठीक है। निर्जीव वस्तुओं में कोई भी चीजें नहीं होती लेकिन सजीव वस्तुओं में इन सारी चीजें होती है, ठीक है। इसमें कोशिकाओं को पहुंचने पर वायरस के न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो सूत्रीय दर से बार बार, मतलब कि डुप्लीकेशन और रिप्लिकेशन, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सजीव कोशिकाओं में डीएनए सूत्र एवं द्विगुणन होता है, ठीक है। एंड हम ये कह सकते हैं कि सजीव कोशिकाओं को नष्ट करके ये वायरस जो होता है वो जीव शरीर के रोग उत्पन्न कर लेता है, तो इसीलिए इसे अंतःकोशिकीय रोगात्मक परजीवी भी कहते हैं, मतलब कि इसमें इंट्रासेलुलर एंड पैथोजेनिक पैरासिट्स होते हैं और जिन्हें हम विषाणु कहते हैं, ओके। तो आपको मैंने बता दिया, अब हम आपको आगे का प्रोसेस बता देते रहे कि जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि जो हमारा विषाणु होता है वो पूरी तरह से जीवित प्राणी नहीं माना जाता है, इसके तरफ उनके अंदर वो सारी चीजें पाई जाती हैं जो एक जीवित प्राणी के अंदर होती है, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, ठीक है, मैंने आपको ये चीज भी बताया था, ओके फ्रेंड्स। तो अब आपको सबसे एक चीज बता दिया जाए ना कि यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन पूछता है कि वायरस सजीव है या निर्जीव। तो फ्रेंड्स आपको निर्जीव के भी करेक्टर्स बताए गए, सजीव के भी करेक्टर्स बताए गए, तो मतलब कि वायरस न सजीव है और ना ही केवल निर्जीव है, वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, ओके। तो आपको ये सारी चीजें बता दी गई। अब आपको एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा कि वायरस से कुछ रोग होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक रोग बहुत बड़ा रोग बताने जा रही हूँ, एड्स रोग, ठीक है। तो इस तरीके से और बहुत सारे रोग होते हैं, आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो आपको एक इतने सारे चीजें, इतने सारे लेक्चर मैंने वायरस पे दिए, तो चलिए आइए हम कुछ 10 मिनट के लिए, मतलब कि 10 क्वेश्चन बात कर लेते हैं इस वीडियो पे वायरस से संबंधित। तो जैसा कि सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा देख लेते हैं, एड्स रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है और इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो फ्रेंड्स एड्स रोग से संपूर्ण, सॉरी
एड्स रोग से संपूर्ण मनुष्य का रोग ग्रस्त होता है और इसके प्रमुख लक्षण जैसे कमजोरी, प्रतिरोधक शक्ति, समाप्ति, श्वेत रक्त कणिकाओं का क्षय, ओके, तो इस तरीके से इसके रोग होते हैं, ठीक है, मतलब कि अंग प्रभावित होता है और ग्रस्त होता है। और दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि पोलियो रोग से कौन कौन से अंग प्रभावित होता है और इसकी कौन कौन से लक्षण है। तो फ्रेंड्स, पोलियो रोग से मनुष्य का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और इसका सबसे बड़ा लक्षण ये है कि इसकी मांसपेशी की जो संकुचनशील होती है वो हाथ और पैर पर लकवा मारने लगती है, लकवा जैसे स्वभाव, मतलब कि इनका स्वभाव होने लगता है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चेचक रोग के कौन कौन से लक्षण होते हैं और इससे हमारे शरीर का कौन सा अंग ज्यादा प्रभावित होता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स कि चेचक रोग से हमारे शरीर का सबसे ज्यादा चेहरा प्रभावित होता है और उसके साथ साथ हाथ पैर भी प्रभावित होते हैं। और इसके सबसे बड़े लक्षण ये होते हैं कि ज्वर, पीड़ा, जलन और संपूर्ण शरीर को फफोले जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो इस क्वेश्चन पे मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि आपने सुना होगा लोग गांव में बोलते हैं माता जी हैं, ठीक है, माता जी निकल गई है, देवी जी निकल गई है, ठीक है, इनका नाम भी है माता जी, ठीक है, छोटी माता, बड़ी माता, ठीक है, दो तरीके से होते हैं। तो इनको लोग जैसे बोलते हैं गांव में कि देवी जी निकल गई है, ठीक है, तो फ्रेंड्स वास्तव में ये देवी जी नहीं, चेचक के नाम से हमारा साइंस ने पता किया है कि कुछ ये बहुत ही, मतलब कि बहुत ही खतरनाक रोग भी होता है। अगर ये किसी के शरीर में आ जाता है तो इसे बहुत ही मुश्किल से हटाया जाता है। जैसा कि इसके लिए हम लोग गांव में अक्सर ऐसा करते हैं कि इसके लिए लोगों को छूते नहीं है उस इंसान को। देखिए, कुछ छुआछूती बीमारी होती है, ठीक है, मतलब कि एक दूसरे को छूने से भी निकल जाते हैं। तो इस मतलब कि बहुत ही बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस इंसान को रखते हैं जिनका ये चेचक रोग निकला होता है। तो फ्रेंड्स, वास्तव में ऐसा होता नहीं है कि अगर हम इसे भगवान मान लें और उस मतलब कि हम किसी चीज़ को छौके नहीं। लोग कहते हैं ना कि अगर चेचक निकल गया है तो घर में छौकना नहीं चाहिए और नया चीज़ नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन साइंस का ये मानना है फ्रेंड्स कि ये रोग चेचक है और ये साइंस ने पता किया है कि इस रोग की मतलब कि वास्तव में बीमारी का जो इलाज है वो वास्तव में यही है कि ऐसे इंसानों से लोगों को दूर रहना चाहिए, इसलिए क्योंकि लोगों को और मतलब कि और लोगों को साथ में ना निकल जाए, क्योंकि ये कुछ छुआछूत वाली भी बीमारी इसमें है, ठीक है, तो इसलिए लोग दूर रखते हैं। लेकिन लोग ऐसा नहीं मानते हैं, उनका कहना ये है कि ये भगवान है और इनको छूना नहीं चाहिए जब तक इनके शरीर पर चेचक मतलब कि माता जी निकली है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ऐसा है कि जो हमारे गांव के लोग मानते हैं इस चीज को, ये सच है या फिर हमारा साइंस सही कहता है। हमारा कहना तो फ्रेंड्स ये है कि ये जो रोग है चेचक के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, इस रोग के बारे में, वो इस तरीके से कुछ है, इसलिए ऐसा कहा गया है ताकि लोगों का जो विश्वास है वो भगवान पे ज़्यादा है। अगर हम कहेंगे कि चेचक निकला है इसके साथ नहीं रहना, लेकिन तो भी लोग साथ रहेंगे, वो साथ छोड़ते नहीं है। लेकिन अगर हम किसी भगवान का नाम दे दिया, हमने ये बोल दिया कि तुम जितना इसको छुओगे उतना तुम्हारा इतना उसका कष्ट होगा, तो लोग उसको छूना बंद कर देंगे। तो हमारा कहना ऐसा है कि इसलिए लोगों ने ऐसा इसे नाम दे दिया है। तो प्लीज़ आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि खसरा रोग से कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, इनके कौन कौन से लक्षण हैं। तो फ्रेंड्स, खसरा रोग से पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है। इसमें मुख्य रूप से ज्वर, पीड़ा मतलब कि बुखार आना, दर्द होना और खराश आना मतलब खांसी आना, आंखों का जलना, ठीक है, और नाक से मतलब कि लिक्विड पदार्थ निकलना, तो इस तरीके से लक्षण खसरा रोग में निकलते हैं और इतने सारे अंग प्रभावित होते लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर है, रोएट्रेकोमा रोग में से कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, इनके कौन कौन से लक्षण हैं। तो फ्रेंड्स, इस रोग में हमारी आंखों पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और लक्षणों की बात करें तो आंखों पर सूजन, जलन, पानी बहना, इस तरह की समस्याएं हमारे इस तरह के रोग से होने लगता है, ओके। एंड लास्ट सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क शोथ या इंसेफलाइटिस रोग हमारे शरीर में कौन सा अंग प्रभावित करता है और इसके लक्षण क्या क्या चीजें दिखाई देने पड़ने लगती है। तो सबसे पहले तो इनका तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है फ्रेंड, और इसके साथ साथ जैसे कि बेचैनी होना, दृष्टि दोष से कम दिखना, अनिद्रा तथा बेहोशी आना, इस तरह से अन्य समस्याएं आने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हर्पिस रोग से कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, इसके लक्षणों के मुख्य रूप से क्या क्या चीजें दिखाने लगती हैं। तो हर्पिस रोग के कारण हमारे शरीर की त्वचा और श्लेष्म कला प्रभावित होती है, और इसके साथ साथ फ्रेंड्स लक्षणों के मुख्य रूप से त्वचा में जलन, बेचैनी और शरीर के फोड़े जैसी दिक्कत आने लगती है। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है फ्रेंड्स, पागल कुत्ते के काटने से होने वाले रोग के कारण हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि इसके कारण से कुछ भी आपको हो सकता है, जैसा कि बेहोशी, बेचैनी की समस्या, और ज्यादातर आप देखते होंगे कि मनुष्य भी उस कुत्ते के जैसे ही बर्ताव करने लगता है अगर आप इनको सही टाइम पे इंजेक्शन वगैरह दवा वगैरह ना दे तो, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि रेबीज तथा हाइड्रोफीबिया रोग के कारण कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो हाइड्रोफोबिया रोग के कारण हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभाव पड़ता है, और इसके कारण वही चीज जराना, पीड़ा होना, पानी अधिक से ज्यादा निकलना, मांसपेशियों तथा श्वसन तंत्र में लकवा मारना, बेहोशी आना, ठीक है, एंड बेचैनी होना, इस तरीके से बहुत सारे करेक्टर्स दिखाई देने लगते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स हमारा, चलिए देख लेते हैं। फ्लू एवं इन्फ्लुएंजा रोग के कारण हमारे शरीर पर क्या प्रभाव देखे हैं आप, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्लू एंड इन्फ्लुएंजा रोग के कारण हमारे श्वसन तंत्र के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसके कारण ज्वर, शरीर से पीड़ा, सिर दर्द, जुकाम और खांसी जैसी समस्या हमें इन्फ्लुएंजा रोग से आने लगते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपको मैं नेक्स्ट डे बताऊंगी। ओके थैंक यू।